नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई और बैठक में कहीं ना कहीं यही कोशिश की गई कि इन दोनों के बीच जो चल रहा है विवाद, उसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन सीएम नीतीश कुमार इसमें पूरी तरीके से विफल रहे। दरअसल जब ये बैठक बुलाई गई, इसमें दोनों अधिकारी मौजूद हुए तो दोनों ही अपने अपने पक्ष को रखते हुए नजर आए और दोनों ही ने कहा कि ये हमारे विभाग में या फिर हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो दूसरे अधिकारी ने भी कहा कि यह हमारे भी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने लाख समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से जब अधिकारी ही आपस में विवाद में उलझ जा रहे हैं तो जो सरकार है उसकी भी काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर विशेष बैठक बुलाई थी। सीएम आवास पर मुख्य सचिव और आमिर सुधानी के साथ बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बुलाया गया था। कहना था कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो अहम की लड़ाई छोड़कर आपसी तालमेल के साथ काम करें। इस तरह के विवाद से सरकार की किरकिरी होती है और आम लोगों का काम भी खराब होता है। वहीं सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक हाल में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच लेटर की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव आमिर सुभानी के दखल के बावजूद अतुल प्रसाद और के पाठक अपने रुख पर अड़े रहे और उन्होंने यह भी कह दिया कि किस तरीके से उनका जो भी काम चल रहा है उसमें दूसरे अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करें, यानी कि कोई भी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसको लेकर यह भी बता दें कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि दोनों अपने अपने अहम को छोड़ दीजिए और जो काम है उस काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं काम पर भी पर रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बीपीएससी ने शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की और अब कैंडिडेट्स के दस्तावेज की जांच चल रही है और इस दस्तावेज की जांच के तौर तरीकों को लेकर ही बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच विवाद हुआ था। आपको मालूम है कि जब वेरिफिकेशन का काम चल रहा था तो उसमें शिक्षकों की तैनाती की गई थी, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसको लेकर ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बीपीएससी पर भड़क पड़े थे कि इस तरीके से शिक्षकों को ड्यूटी में लगाया गया है तो और काम जो है, यानी कि पढ़ाई जो है बच्चों की, वो बाधित हो रही है। और इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव ने लेटर भी लिखा था और कहा था कि ऐसे आपको अधिकार नहीं है शिक्षकों की ड्यूटी या फिर उनकी तैनाती कराने को लेकर। तो देखिए, जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ, लेटर वाद शुरू हो गया, एक तरफ से बीपीएससी ने लेटर लिखा तो दूसरी तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से भी लेटर लिखी गई थी। इन तमाम विवाद को खत्म करने के लिए ही सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी। इसमें मुख्य सचिव आमिर सुभानी भी मौजूद थे, लेकिन जब दोनों अधिकारी को समझाया गया तो कुछ भी निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया। दोनों ही अपने अपने बातों पर अड़े रहे, जिद पर अड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।